अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब, मैं मौजूद हूँ बालाकोट के एक होटल पाइन ट्रैक में। तो आज हम इस होटल का रिव्यू करेंगे, इसके सामने के मनाजिर कैसे हैं, कैसी जगह है, सामने से बहता हुआ दरिया कुनार की सैर करेंगे और इनके खाने देखेंगे कैसे हैं मज़े मज़े के। और मुकम्मल इस होटल का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि हम इतनी खूबसूरत जगह क्यों मिस कर देते हैं और हम इस पॉइंट से आगे चले जाते हैं। और ये जनाब, ये होटल है, ठीक है भाई। तो जिनको भी आना हो बालाकोट में, वो इस होटल में आके रह सकते हैं। ये होटल पाइन ट्रैक के नाम से, इसका मैं नंबर आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है ना। ये इसके मनाज़िर हैं भाई। अच्छा, अंदर से जो है मैं आपको इसके रूम भी दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि होटल्स के आपने रूम नहीं दिखाए, तो होटल तो मैंने आपको दिखा दिया है, इसके रूम भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर से। ये बाहर से मनाजिर इसके देखें होटल के, ठीक है जी। ये होटल है और अब इसके अंदर से जो है मनाजिर इसके रूम के भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ताकि जिन्होंने भी आना हो और इस होटल में अगर लेना हो तो वो ले सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, ताकि जिन लोगों को हेल्प मिल सके इस वीडियो से, वो हेल्प मिल सके। बहुत ज़ोर की लग रही है, तो खाना खाने चलते हैं और खाने के मनाजिर भी दिखाता हूँ आपको, इनका लंच वगैरह कैसा है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आए खाने का भी देखते हैं। तो ये इनका जनाब डाइनिंग एरिया है, ये बहुत अच्छा डाइनिंग बनाया हुआ इन्होंने। और ये डाइनिंग आप देख सकते हो कि ये डाइनिंग के साथ साथ जो है इसमें यहाँ के नज़ारे भी हैं, जो मेन रोड से और इससे सारी चीज़ें दिख रही हैं। देखो आप, ये डाइनिंग के साथ साथ ये रोड है मेन रोड, और इसी मेन रोड के साथ ये सारे नज़ारे हैं। चले जनाब, खाना आ चुका है। वैसे तो आपको इस होटल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैंने कढ़ाई बनवाई है और आपको चाइनीज़ खाना हो, पाकिस्तानी खाना हो, सब चीज़ मिल जाएगा। कढ़ाई बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब बनाई थी इन्होंने।
माशाल्लाह से कितना हसीन नज़ारा है। ये कोई यूरोप नहीं है, ये अपना पाकिस्तान है, ये आप देख सकते हो। ये लाइव स्टॉक का एक पूरा स्टॉक जा रहा है और बड़ा हसीन नज़ारा है माशाल्लाह से। अच्छा, अब मैं होटल से उतर के नीचे जा रहा हूँ और होटल से नीचे देखते हैं, यहाँ पे एरिया सा बना हुआ है, पानी बह रहा है, यहाँ के मनाज़िर देखते हैं। जनाब ये दरिया पे पहुंच गए और देखें ये पहाड़ों में से होता हुआ पानी, ठंडा ठंडा पानी। ये सामने एक जो पुल दिख रहा है, इस पुल से क्रॉसिंग करते हैं। और ये देखें, ये वो होटल है पीछे जहाँ पे मैं मौजूद था इस वक्त, ये वो होटल है और वहाँ से ये रास्ता आता है और ये नीचे पानी। अच्छा, आप ये देख सकते हो, ये रात के इसके व्यू ये है। अभी मगरिब हुई है, अभी मज़ीद और रात होगी तो फिर मैं आपको और मज़ीद रात के भी व्यू दिखा दूंगा। बाकी अभी ये मगरिब के टाइम का वक्त है और ये कुछ लाइटें जल गई हैं, बिल्कुल मेन रोड पे ये होटल है। और ये देखें, ये लोग अभी इस मज़ीद आ रहे हैं जो नाइट स्टे करेंगे इसमें। अब ये क्योंकि शाम में सारे घूम रहे होते हैं तो ज़ाहिर है मगरिब के बाद लोग आना शुरू होते हैं, तो रात तक इसमें फुल, ये पूरा फुल हो जाएगा। तो ये मनाज़िर है इसके, ठीक है। इसके रोड, मेन रोड के साथ साथ दरिया बह रहा है, इसी के साथ आप ये है कि आगे सारे एक से ज़्यादा होटल्स हैं, आपको जो अच्छा लगे। मैं इसमें ठहरा था, मैंने इसलिए इसकी वीडियो बनाई। इसके आगे भी और भी बहुत सारे होटल्स हैं, जब आप इसी मेन रोड से आगे जाएंगे तो उसके बाद देखें आगे सारे होटल्स बने हुए, तो सारे होटल्स देखें आगे भी मैं आपको लेके चलता हूँ। आगे भी सारे होटल्स बने हुए हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, इससे अच्छे भी हैं, इससे बुरे भी हैं। मैं इसमें ठहरा था तो इसलिए मैंने इसका रिव्यू दिया आपको, और इसका रिव्यू देने का मकसद ये है कि जो लोग आ रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, उनको इतना पता नहीं होता है, तो ये रिव्यू देने का मकसद भी यही है कि आप जब बालाकोट आएँ तो बालाकोट में इस होटल पर रुकें, फैमिली के लिए बहुत अच्छा होटल है, इंतजाम बहुत अच्छे हैं इनके, और सामने फिर दरिया है जिसमें आप जाके इंजॉय कर सकते हैं, नाइट स्टे करें। सुबह का मौसम बहुत प्यारा है, सुबह के टाइम आप यहाँ पे जब वॉक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम के और मौसम के कैलकुलेशन के ऊपर होता है, तो आपका टाइम और मौसम जितना अच्छा होगा आप उतना इंजॉय कर सकोगे। तो जब भी आप पिकनिक करो या जब आप ऐसी जगहों पर जाओ तो फिर आप टाइम और ख़ासतौर पर मौसम का बहुत ख्याल रखो। अब बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इस वाली साइड किस मौसम में आया जाए, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि सितंबर के एंड या अक्टूबर के शुरू, ठीक है ना, तो इसमें यह है कि इतनी बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं मिलती है, हल्की फुल्की बारिश मिलती है, मौसम बहुत अच्छा मिलता है, तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट रहता है। बाकी सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है। हाँ, जिन्होंने बर्फ़ देखना है और वो नवंबर के महीने में निकले तो यहाँ उनको बर्फ़ कम मिलेगी, लेकिन ये कि फिर आगे की साइड जो है वो उनको बर्फ़ मिलेगी। तो यहाँ से आप आगे ऊपर जाएं और इन्जॉय करें ऊपर के कुछ पहाड़ के, मैं आपको मनाज़िर भी दिखाता हूँ जहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है।
तो उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड भी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें।